हेलो गाइस, आप दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कलर की इसमें हेलो गाइस, आप दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम पेंट ओके ट्रैवलिंग से हटके न्यू ब्लॉग बना रहे हैं पेंटिंग का, तो आपको दिखाते हैं, चलते हैं फिर। आप हमेशा लाइट पेंसिल यूज करना, क्योंकि लाइट पेंसिल यूज करोगे तो ये क्या स्केचिंग ख़राब नहीं होगी। क्योंकि मैंने इसीलिए ये डार्क करा है आपको ब्लॉगिंग के थ्रू दिखाना है। मैं लाइट यूज करता तो आपको ये स्केचिंग दिखती नहीं, तो इसीलिए मैंने ये करा है। तो आपको अब मिलते हैं कलर, पहला टोन कैसे मारते कलर, तब मिलते हैं आपको। तो गाइस, हम जब पेंटिंग करते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं हम अपनी पेंटिंग के उसमें, तो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ब्रश होना चाहिए, मैं वाटर कलर कर रहा हूँ तो वाटर होनी चाहिए, पानी। और देन ये मेरा है कलर्स पैलेट ये हुआ और कलर्स ये हुआ, तो और ये मेरी पेंटिंग हुई। और आपको रिफरेंस दिखाता हूँ, ये आपको रिफरेंस है फ़ोटो जो मैंने बनाई है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले क्या है, हम स्काई में कलर मारेंगे। तो सबसे पहले वाटर कलर करने वक्त आप वाटर को पहले पेपर को गीला कर लो वाटर से, तो इस तरह से आपको दिखाते हैं। अब हम यहाँ से कलर लेंगे स्काई कलर जो आपके हैं, फिर हम ये अप्लाई करेंगे। हमने डरना नहीं है कलर मारते वक्त, हमने सीधे कलर को यूज़ करना है, डरना नहीं है। आप जितना डरोगे उतना आपकी पेंटिंग में वो स्मूथ नहीं दिखेगा। तो आप देखते रहिए मैं कैसे कलर कर रहा हूँ। और कभी भी हो ब्रश को ज़्यादा रगड़ना नहीं है, आप ज़्यादा रगड़ोगे ब्रश को तो आपका पेपर वो हो सकते हैं, फट सकते हैं। तो आप देख सकते, मैंने स्काई कलर कर चुका हूँ, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट स्काई कलर कंप्लीट। ये मेरा फर्स्ट टोन है, हमेशा फर्स्ट टोन लाइट होनी चाहिए वाटर कलर में। आप जितना लाइट वाटर कलर में कलर करोगे वो उतना ही निखर कर आएगा आपकी पेंटिंग में। अब हम घरों में कलर करने की सोच रहे हैं, तो इसमें भी वही टेक्निक्स यूज होगी जो मैंने स्काई में यूज करा है। अब मैंने ये ब्रन शाइना और हल्का येलो मिक्स करा है, तो ये हम पहली टोन मार रहे हैं अभी भी। अब ये धीरे धीरे आएगा चीज़ें, धीरे धीरे कलर्स यूज करो और लाइट कोशिश करो। आप जितनी लाइट कलर्स मारोगे इतना आपकी पेंटिंग में थोड़ा ग्लो आएगा। तो आप ये मेरा मिक्सअप देख सकते हो, मैं कलर किस कौन सा यूज कर रहा हूँ। मैं अभी यहाँ पे कलर बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये कलर नहीं मिल रहा है जो कलर मुझे चाहिए। थोड़ा मैं डार्क की ओर जाऊंगा, डार्क मतलब यहाँ पे डार्क है,
स्किन भी दिख रहा है, सब डार्क है। तो मैं अब मैं सेकंड टोन लगा रहा हूँ क्योंकि मेरी ये कलर सूख गया है। आप जब भी करोगे डार्क टोन तो हमेशा आप जब कलर सूख जाएगा उसके बाद आप डार्क टोन मारने की कोशिश करना, जैसे मैं सूखने के बाद मारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब मेरा ये फर्स्ट टोन आपको देख रहा होगा, मैंने फर्स्ट टोन मार दिया शेडो के साथ। फर्स्ट टोन मैंने यूज कर लिया और ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब मैं डिटेलिंग की ओर जाऊंगा, आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप पेंटिंग को बाहर की ओर निकाल दो थ्री डी फॉर्म में। तो आपको दिखाते हैं, अब मैं आप डिटेलिंग माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर। ऑलमोस्ट मैंने पेंटिंग कंप्लीट कर चुका है और रिफरेंस फोटो अंशु तुक्ताल से फोटो से लिया है मैंने ये पेंटिंग, तो आपको दिखाते हैं। और ये ऑलमोस्ट मैंने हल्का फुल्का दिखाने की कोशिश करी है पेंटिंग के थ्रू कि किस चीज़ को मैं किस जगह को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है, आप देख सकते हो मेरी ड्राइंग को। सो ये गाइस आप देख सकते हो ये मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने जिस जगह को बनाने की कोशिश करी है हल्का फुल्का थोड़ा, अभी मैंने काफ़ी टाइम हो चुका है तो मैंने वाटर कलर छुया नहीं था, तो इसीलिए ये पहला वाटर कलर है अभी 2023 का। तो थोड़ा अभी स्ट्रगल है और करेंगे। सो अब ये मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी पेंटिंग। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी से जल्दी करना भाई, तभी तो पैसा कमाएंगे।